अंधियारा कितना हो घना, विजयी सदा प्रकाश है। कैंसर को भगाना है संकल्प, और जागरूकता हथियार है। अंधियारा कितना हो घना, विजयी सदा प्रकाश है। कैंसर को भगाना है संकल्प, और जागरूकता हथियार है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहो, जागो खुद भी सबको जगा। कैंसर भगाओ, कैंसर भगाओ, कैंसर भगाओ, कैंसर भगाओ। आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कैंसर भगाओ में। दोस्तों, ये एक ऐसी मुहिम है जिसके तहत हम ये चाहते हैं कि आप सब जागरूक हों, इस खतरनाक बीमारी को लेकर लाइट मत रहें, बल्कि इसे सीरियसली मुकाबला करें। हमेशा की तरह हमारा मार्गदर्शन करने के लिए वर्ल्ड फेमस ऑन्को सर्जन मिस्टर माजिद अहमद तालिकोटी हमारे साथ हैं। आइए उनका स्वागत करें। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। डॉक्टर साहब, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि लोग हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ते ही जा रहे हैं, ईमेल्स के माध्यम से, एसएमएसेस, फ़ोन कॉल्स और लेटर्स के माध्यम से। और जैसा कि हम जानते ही हैं कि कैंसर नाम की बीमारी जो है, ये एक ऐसी बीमारी है जिससे हर इंसान को अवगत होना ही चाहिए। तो इसी सिलसिले में हमें ये ईमेल आया है नेपाल से। लिखने वाली है पूनम। ये कहती हैं कि इनकी उम्र 23 साल है और इनकी शादी को मात्र 1 साल हुआ है। कहती हैं कि चूंकि कार्यक्रम की रेगुलर व्यूअर हैं और आपसे बहुत ही इन्हें प्रेरणा मिली है, तो आपको मद्देनज़र रखते हुए ही कहती हैं आपसे पूछने की हिम्मत जुटा पाई हूँ। लिखती हैं कि सहवास के वक्त इनको बहुत तकलीफ़ होती है और रक्तस्राव भी होता है। चिकित्सकों से राय ली है तो कहते हैं कि क्या ये योनि का कैंसर, जिसे हम पॉपुलरली सर्विक्स कैंसर या गर्भाशय ग्रीवा कैंसर कहते हैं, कहीं ये उसकी संभावना तो नहीं है? आप इन्हें सही जानकारी दीजिए। जो सर्विक्स कैंसर है, उसके जो सिम्टम्स होते हैं लगभग ऐसी है जैसे इन्होंने बताया, कि ब्लीडिंग का होना, दर्द का होना और डिस्चार्ज का होना। सर्विक्स कैंसर महिलाओं में पूरे वर्ल्ड में नंबर 2 आता है। महिलाओं में जैसे ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1, तो सर्विक्स कैंसर नंबर 2। और हमारे भारत देश में लगभग 4 साल पहले तक सर्विक्स कैंसर नंबर 1 था और ब्रेस्ट कैंसर नंबर 2 था। जो लाइफस्टाइल, जो भी बहुत सारे कारण हैं जिसके वजह से ये फेरबदल हो के अब सर्विक्स कैंसर नंबर 2 पे है, ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 पे है। और सर्विक्स कैंसर, जिसको हम बच्चेदानी के मुंह का कैंसर कहते हैं, या ये जो कैंसर है पूरे वर्ल्ड के 1/3 जो मृत्यु होती है सर्विक्स कैंसर से, पूरे वर्ल्ड के 1/3 मृत्यु कैंसर से जो होती है सर्विक्स कैंसर से, वो इंडिया से आता है। पूरे वर्ल्ड में 2/3, तो इंडिया में 1/3। और जो सर्विक्स कैंसर है, ये अक्सर वो महिलाएं 50 इयर्स के एज में ऑन एन एवरेज होता है, बट जो एक्टिव फीमेल्स होते हैं, जो यंग फीमेल्स होती हैं, उनमें होता है। और जो शुरू होता है अप्रॉक्सीमेटली अराउंड द एज ऑफ 30 इयर्स होता है। सर्विक्स कैंसर का मेन जो कॉज, अगर आप कहेंगे, जो नोट किया गया है, आइडेंटिफाई किया गया है कि सर्विक्स कैंसर ये होता क्यों है, ये पता चला है कि ये इन्फेक्शन से होता है। अब इन्फेक्शन
कौन सा इन्फेक्शन है? डेफिनेटली पुअर हाइजीन. ये कौन सा इन्फेक्शन है? ये वायरस से होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इसको हम HPV कहते हैं. यही वायरस 10% ऑफ ओरल कैंसर भी कॉज करता है. यही वायरस, ये वायरस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड भी है, मतलब वाइफ से हस्बैंड को या हस्बैंड से वाइफ को, और फिर अगर मल्टीपल पार्टनर्स हो तो एक से दूसरे को. और जितना सेक्सुअली एक्टिव फीमेल हो उनमें उतना ज़्यादा इसकी चांसेस हैं, मल्टीपल पार्टनर्स हो उनमें ये ज़्यादा है. और क्योंकि ये इन्फेक्शन है, एक से दूसरे को होता है. ये इन्फेक्शन से वेजिना का कैंसर भी होता है, और वेजिना का कैंसर हुआ, वुल्वा का कैंसर हुआ, जो फीमेल प्राइवेट पार्ट्स हैं उसमें, मतलब हर जगह पे ये कैंसर कॉज कर सकता है. मेल्स में ये पेनाइल कैंसर हो सकता है, बट उतना कॉमन नहीं है. फीमेल टू फीमेल ज़्यादा है. पर एच पाइलोरा वायरस, HPV, ये भी कई तरह के होते हैं, और इसमें जो 16 और 18 वैरायटी हैं, ये सर्विक्स कैंसर को कॉज करता है. क्योंकि इसका कॉज इन्फेक्शन है, इसका कॉज वायरस से जुड़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि अगर हम इस वायरस को, इस इन्फेक्शन को कंट्रोल करेंगे तो डेफिनेटली सर्विक्स कैंसर कंट्रोल में आएगा. और कई बार ये जो इन्फेक्शन है, ये नहीं कि एक बार इन्फेक्शन हो गया तो सर्विक्स कैंसर हो गया. ये रिकरेंट इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन बार बार होता है, उससे होता है. और ये वायरस कई बार बॉडी अपनी इम्यूनिटी से इसको एलिमिनेट करता है, बट लेकिन अगर इन्फेक्शन ये रिकरेंट होता रहा, बार बार होता रहा, तो फिर ये इन्फेक्शन से फिर क्या होता है, ये जैसे कि पेन का होना, दर्द का होना, फिर यूरिन ठीक से नहीं आना, जो भी यूरिनरी इन्फेक्शन के सिम्टम्स होते हैं, रुक रुक के आना, बार बार आना, पेशाब जाने के बावजूद भी ये लगना कि अभी ठीक से हुआ नहीं है, या बाथरूम में बैठे रहना, या अंदर कोई प्रेशर सा बना रहना, दर्द सा रहना, ब्लीडिंग सा होना, पहले शुरू में बार बार डिस्चार्जेस का आना, वेजिनल डिस्चार्जेस का आना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं जिनके कंप्लेंट्स लेके पेशेंट आता है. जब भी इन्फेक्शन हो इसको हम ट्रीट करें, जल्दी ट्रीट करें, समय रहते रहते ट्रीट करें. 80% ऑफ द फीमेल्स एटलीस्ट वंस और ट्वाइस, एक या दो बार कम से कम लाइफ टाइम में ये इन्फेक्शन हो जाता है. जाहिर सी बात है कि जितने पार्टनर्स रहेंगे, जितने एक्टिव रहेंगे, जितना पुअर हाइजीन रहेगा, ये इन्फेक्शन डेवलप करने के चांसेस ज़्यादा रहेगा. देखिए, ज़रूरी नहीं कि किसी को अगर हो गया सर्विस तो भाई इन्फेक्शन से ही हुआ, इसके अलावा भी बहुत सारे कारण कर सकते हैं, बट अधिकतर जो कारण होता है वो यही होता है. अभी अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, प्रफुल्ल जी बता रहे थे कि डायपर्स में किसी ने उनको डेमोन्स्ट्रेशन दिया हुआ है कि कुछ डायपर्स आते हैं, क्या डायपर्स से, बेसिकली उनका कहना था कि क्या डायपर से भी कैंसर हो सकता है क्या? देखिए,
इन्फेक्शन कॉज है, आप ऑलरेडी एचपीवी से इन्फेक्टेड हो, तो सारा जो डिस्चार्जेस जा रहे हैं वो पैड में जमा हो रहे हैं, और फिर वही पैड अगर आप चेंज नहीं कर रहे हो जब तक वो ड्राई नहीं हो रहा है, उससे पहले मतलब वेट ही रह रहे हो, या कोई पेशेंट बीमार है, बेड पे रिडन है, चल फिर नहीं पा रहा है, वो वहीं पे लगा हुआ रह रहा है, तो जाहिर सी बात है जो बैक्टीरिया इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है, जब इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है जाहिर सी बात है इन्फेक्शन इसमें हो रहा है। तो इन शॉर्ट प्रफुल जी या मैं समिता, हम ये मैसेज देना चाह रहे थे, इन्फेक्शन इसका कॉज है, डायपर्स भी एक उसका अंदर एक कॉज हो सकता है। तो इन्फेक्शन से अगर हम बचेंगे, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो फिर कैसे क्या किया जाए। बट एंड ऐसा भी नहीं है कि भाई कोई आप प्रिवेंटिव मेजर्स ले रहे हो, जैसे जो भी होते हैं प्रिवेंटिव बैरियर्स है, मेल बैरियर्स है, फीमेल बैरियर्स है, कि जैसे कि कॉन्डम्स होते हैं या कोई इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, ये भी 100% फुल प्रूफ नहीं होती है एचपीवी के अकॉर्डिंगली। बट एचपीवी इन्फेक्शन ऐसा है कि खुद ब खुद चला भी जाता है, ऐसा नहीं कि वो एक बार हो गया। हाँ, इससे मोल्स हो सकते हैं, इससे जो है आपको टैग्स हो सकते हैं, जैसे आपके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वहाँ पे कई जगहों पे आपको कुछ चीज़ें जैसे है ना कुछ लटका हुआ छोटे छोटे ये टैग्स आ गए हो, स्किन कहीं कहीं जगह जमा हुआ हो, ये हुआ हो, ये सारी चीज़ें भी जो है ये एचपीवी वायरस से इन्फेक्शन। और मेल्स में अधिकतर ये जानलेवा नहीं होता है, और ये जो एचपीवी के अलावा जो अदर टाइप्स हैं उससे क्या है, आपको है ना नेक में या बॉडी में कई जगहों पे आपको ये वाट्स हो सकते हैं, और वाट्स का इलाज क्या है, इनको छुआ नहीं जाता, उनको स्क्रैच नहीं किया जाता, फिर वहाँ छू के दूसरे शरीर की जगह पे छुआ नहीं जाता, आपको पता है टैग, उसको रहने दीजिए, और बहुत ज़्यादा टैग है, प्रोमिनेंट है, तो उसको आप निकलवा भी सकते हो। और मेल पेनाइल कैंसर भी हो सकता है, जाहिर सी बात है अगर सफाई नहीं रखी गई है तो पेनाइल कैंसर जो मेल में हो सकता है। आज हम सर्वाइकल कैंसर पे डिटेल में नहीं जाएंगे, उसमें जिस तरह से हम नॉर्मली करते हैं डिस्कस डिटेल में वो सारा किया जाएगा, लेकिन इन्फेक्शन से बात है, और हम लोग कई सेमिनार्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं, तो मुझे अच्छी तरह से याद है 2016 या उससे पहले कि हमने रिकमेंड किया था एचपीवी वैक्सीनेशन के लिए, रिक्वेस्ट की थी गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, कि भाई ये वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन जो है एक प्रोटोकॉल में आ जाए, और दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से एक ये बने कि भाई ये देना ही देना है एज अ पार्ट, जैसे हम हेपेटाइटिस के लिए वैक्सीनेशन लगाते, बीसीजी ओरल पोलियो वैक्सीन बच्चों में लगाते हैं, उस तरह से ये दे जाए ताकि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे पार्टनर्स हैं, हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, क्योंकि देखिए आज की डेट में लगभग 30 करोड़ फीमेल्स 15 ईयर्स की एज एंड अबव हैं, उनकी सुरक्षा, वो स्वस्थ रहें, ये हमारा एज अ डॉक्टर, एज अ एनजीओ एक हमारा ये है कि भाई हम इसको लाएं। तो इसमें हमने की थी सेमिनार में रिक्वेस्ट किया था, तो बार बार हम जितने भी सेमिनार्स करते हैं या कैंप्स करते हैं हर जगह हम बोलते हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी दिल्ली गवर्नमेंट वॉज द फर्स्ट स्टेट in 2016 March to adopt it as a protocol. हमें अच्छा भी लगा। इन्फेक्शन से सर्वाइकल कैंसर होता है, और उसके लिए वैक्सीन हमारे पास है। वो जो वैक्सीन होता है वो दो फॉर्म में अवेलेबल है, दो कंपनीज का आता है, एक का नाम है गार्डिसिल, दूसरे का नाम है सर्वरिक्स। ये जो गार्डिसिल है अलोंग एचपीवी 16-18 या सर्वरिक्स है एचपीवी 16-18, और जो गार्डिसिल है दो और जो जिससे टैग्स वैक्स होते,
ये जो वैक्सीन से दो ये डेवलप हो गए हैं और स्टडी में प्रूव कर दिया गया है कि इनको लगवाने से सर्विक्स कैंसर से प्रिवेंट किया जा सकता है। हमने देखा है जब से हाइजीन बढ़ गया है, जब से ये अपना स्वच्छ भारत या क्लीन, ये पहले से है, ये जब हो रहा है तो जाहिर सी बात है इन्फेक्शन से सर्विक्स कैंसर होता था, अब वो जो नंबर वन पे था वो सेकंड नंबर पे है। वो कैसे हुआ है? ये बेटर हाइजीन और बेटर इन्फेक्शन कंट्रोल रेट्स उससे हुआ है। क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम होता है वो होता है बचाव वाला प्रोग्राम, भाई कैंसर हो ही ना, कैंसर बने ना, कैंसर से बचा जाए। तो हमारा मोटिव बड़ा क्लियर है, क्योंकि देखिए हम ऑपरेशन करेंगे, इलाज करेंगे, कितने मरीजों का कर पाएंगे। लेकिन इस तरह के टॉक से, इस तरह के सेमिनार से हम क्या चाहते हैं? हम चाह रहे हैं कि ये होना, जागरूकता इतनी आए कि कैंसर होना। तो इसीलिए हम आपको डिटेल में बता रहे हैं, ये जो वैक्सीनेशन है HPV वैक्सीनेशन का, जो गार्डिसिल है, सर्वरिक्स है, हम अपने बहनों को, अपने बच्चों को, जो डॉटर्स हैं हमारे, उनको ये लगवाएं। अब किस एज में इसको लगवाया जाए, कैसे इसको लगवाया जाए, इंजेक्शंस कहाँ पे अवेलेबल हैं, किस ड्यूरेशन में लगा दिए जाए, इससे कोई नुकसानात साइड इफेक्ट्स तो नहीं है, कौन कौन इसको लगवा सकता है, क्या पुरुष इसको लगवा सकते हैं, ये सारे डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं अवेयरनेस के माध्यम से। नॉर्मली हम प्रिफर करते हैं कि ये फर्स्ट, यानी शादी से पहले पहले ये लगवाया जाए, एक्सपोजर से पहले पहले लगवाया जाए, 13 इयर्स के एज से 16 या 17 इयर्स से पहले पहले, या 10 इयर्स से 16 इयर्स के बीचों बीच हम इसको लगवाएं। इंजेक्शन आता है 0.5 ml का, उसको मसल में दिया जाए, डीप मसल में इंजेक्ट किया जाए, जैसे आपको टिटैनस इंजेक्शन दिया जाता है, TT का इंजेक्शन दिया जाता है। ये अगर सर्वरिक्स इंजेक्शन यूज कर रहे हैं, अगर आज मैंने लगवाया है, आज की जो डेट है इससे एक महीना बाद और एक इंजेक्शन लगेगा, सेम डोज 0.5 ml का, सेम तरीके से इंट्रामस्कुलर, आज से 6 महीने बाद फिर से उसका डोज रिपीट किया जाएगा, 0.5 ml लगेगा, 0.5 ml लगेगा और डीप इंटरमस्कुलर लगेगा, टिटैनस की तरह लगाया जाएगा। अगर आप गार्डिसिल यूज कर रहे हैं उसमें 4 थोड़ा सा उसका जो प्रिस्क्राइब डोज है, आज लगेगा, 2 महीने बाद लगेगा, फिर 6 महीने बाद लगेगा। क्या इस इंजेक्शन को प्रेगनेंसी के दौरान देना चाहिए? नहीं, प्रेग्नेंट फीमेल्स शुड नॉट बी टेकन। बेसिकली हु हैज डेवलप्ड द इंफेक्शन, जिनको ये इंफेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, उनको इस इंजेक्शन का फायदा ज्यादा नहीं होगा। तो इसीलिए इंफेक्शन होने से पहले पहले अगर ये दिया जाएगा तो इससे इम्यूनिटी आएगी। एक्चुअली एक्ट करता कैसे है? जहां पे ये वायरस जाके हमारे बॉडी के सेल में अटैच होता है, वहां पे वो जगह को ये बंद कर देता है, लॉक कर देता है। जब आप ये सर्वरिक्स या गार्डिसिल इंजेक्शन आप लगवाते हो एक्सपोजर से पहले, फिर जहां पे ये अटैच होना है वहां पे अटैच नहीं हो पाता है, तो ये इंफेक्शन होगा नहीं। ये इंजेक्शन क्या पुरुषों को दिया जा सकता है?
वर्ल्ड में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे लाइसेंस है कि मेल्स को दिया जा सकता है. इंडिया में, अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में अदर देन ऑस्ट्रेलिया, अभी इसकी लाइसेंस नहीं मिला है कि इसको मेल्स में यूज किया जाए. बट मेरे हिसाब से सारे महिलाओं को इसको लगवाना चाहिए. मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछोगे तो मैं तो कहूंगा कि पुरुषों को भी इसको लगवाना चाहिए. जब हम इसको लगवाएंगे तो आदमी सतर्क रहेगा. आदमी सोचेगा कि भाई इंजेक्शन मैं क्यों लगवा रहा हूं, तो फिर ये सोचेगा कि भाई ये बीमारी कैसे होती है, कैसे इससे बचाया जा सकता है. तो फिर उस डायरेक्शन से एक महिला चलेगी. और रही बात, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. So, and we always suggest and we requested, recommended, and Delhi government ne isko apnaya, apne as a protocol isko adopt kiya hai. We make the similar request to government of India. Unse hum binti karte hain ki aap ye vaccination protocol India mein isko laye. Aur जो 30 करोड़ महिलाएं जो इस एज में हैं उनको ये वैक्सीनेशन लगा जाए, जैसे BCG ओरल पोलियो हम घर घर जाके दे सकते हैं, उस तरह से एक प्रोटोकॉल बना के ये लगा दिया जाए. स्वस्थ भारत, फ्यूचर हेल्थी इंडिया के लिए. और जो अब फर्स्ट से सेकंड पोजीशन पे आ गया है सर्विक्स कैंसर, हम चाहते हैं कि ये कैंसर बहुत ही कम हो. 1/3 ऑफ जो सर्विक्स कैंसर से जो लोग मरते हैं वो इंडिया से ना हो. स्वस्थ रहना उसके लिए जरूरी है कि स्वच्छ रहें. सर्विक्स कैंसर इज अ डेडली कैंसर, हम जानते हैं. जो भी महिलाओं में ये प्रॉब्लम्स आए, यूरिन करने में दिक्कत आए या पेन हो रहा हो या ब्लीडिंग हो रही हो, एक्सेसिव डिस्चार्ज हो रहा हो, इचिंग हो रही हो, कोई गांठ सी लग रही हो, भूख नहीं लग रही हो, वीकनेस फील कर रहे हो, कहीं ग्रोइन में या प्राइवेट पार्ट्स में टैग्स आ रहे हो, उनको चाहिए कि डॉक्टर से मिलके हम इस चीज का ट्रीटमेंट कर लें. जो लोग अफोर्डेबल हैं वो जाएं और ये वैक्सीनेशन अपने आप लगवाएं. प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. यस. एंड वी शुड गो अहेड विद अ हेल्थी लाइफस्टाइल. डॉक्टर साहब, ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई इन्फेक्शंस के बारे में जो लेडीज में अक्सर पाया जाता है. हमारे पास एक और क्वेरी आई है, अलीगढ़ से लिखने वाले हैं मकबूल जी. वो कहते हैं कि मेरी सर्जरी हो चुकी है, अब डॉक्टर ने मुझे रेडिएशन यानी कि सिकाई करने के लिए रेकमेंड किया है. अब मकबूल जी की समस्या ये है कि ये सिकाई से डरते हैं. इन्होंने लिखा है कि सिकाई से बाल चले जाते हैं और इंसान मर जाता है, यानी सीधा ही ऊपर चला जाता है. तो क्या ये सच्ची बात है? हाँ, ये मकबूल जी ने, इनका ऑपरेशन तो हमें नहीं किया हुआ है. हाँ. और ये सच है कि जब वो ऑपरेशन करके जब चले गए थे तो उनकी सिकाई का टाइम हुआ था कि 1 मंथ के पहले वो सिकाई करवाएं. जी जी. वो आए और जैसे आपको उन्होंने लेटर लिखा वैसे ही उन्होंने सवाल पूछा. और उन्होंने बोला कि भाई मैंने बोला आप सिकाई क्यों नहीं करवा रहे हो? डॉक्टर साहब, हम सिकाई तो करवाना चाहते हैं लेकिन हमारे फैमिली में कोई था, उसको सिकाई हुई, वो मर गया.
उसकी आवाज चली गई, उसके सर के बाल चले गए। हम तो अभी ठीक है, ऑपरेशन हो गया, अब हम क्यों सिकाई करवाएं? क्या क्योंकि अगर मेरे साथ भी वैसे हो गया तो इसलिए मैं नहीं करवाना चाहता हूं। मकबूल जी से मैं ये कहना चाहूंगा, कभी सांप को आधा नहीं मारा जाता, इलाज इनकम्प्लीट नहीं किया जाता है। नंबर वन, जितना जरूरी खाना है उतना जरूरी पानी भी है। बिल्कुल, फाइनल टच जरूरी है। बिल्डिंग खड़ी कर दी आपने उसको तो कैसे होगा? रेडिएशन जो है, मकबूल जी अलग है, जिस पेशेंट की आवाज गई थी वो पेशेंट अलग है। उसको वॉइस बॉक्स का कैंसर था और वॉइस बॉक्स के कैंसर में ट्यूमर वॉइस बॉक्स में ग्रो करता है, उसको क्योर करने के लिए वॉइस बॉक्स निकाली जाती है। और जब वॉइस बॉक्स निकाली गई है तो जाहिर सी बात है वो बोल नहीं पाएगा। और जो वॉइस बॉक्स वाले कैंसर में सबसे पहले सिकाई दी जाती, क्या पता वॉइस बॉक्स बच जाए। हाँ। जब सिकाई दी, बीमारी थोड़ी बहुत वापस आ गई तो उसका वॉइस बॉक्स निकाला गया। तो अब उनको लग रहा है, मकबूल जी आप कंफ्यूज ना हो, वॉइस बॉक्स के कैंसर में वॉइस बॉक्स चला जाता है और वो सिकाई से ऑपरेशन से निकाला गया इसलिए गया था। आपका केस तो मुंह का कैंसर है, जबान का कैंसर है और इसका कैंसर है, आप निकलेगा तो आप बोल जरूर पाओगे। क्या? और सिकाई जो की जा रही है आपको बीमारी को खत्म करने के लिए, बीमारी वापस ना हो। क्योंकि देखिए, जब ऑपरेशन होता है तो पूरा सर तो निकाल के दूसरा नहीं लगाया गया है, बल्कि उस हिस्से को हटा दिया गया है। और जिस हिस्से को हटा दिया गया है, एक एक सेंटीमीटर का मार्जिन लिया गया है जहां पे बीमारी नहीं थी, कहीं बीमारी वापस ना आ जाए, प्रिवेंशन के लिए रेडिएशन दी जा रहा है। पहले जो सिकाई की मशीन हुआ करती थी वो कोबॉल टाइप होती थी, आज है लिनियक टाइप, ट्रूबीम टाइप। मतलब क्या, पहले जब सिकाई दी जाती थी, जब आसपास के एरिया में भी सिकाई दी जाती थी और ज्यादा आसपास के डैमेज भी होता था, जब वॉर होती है तो सब आ जाते हैं चपेट में, लेकिन अब जो होता है वो टारगेटेड है, जिस जगह पे हमें रेडिएशन देना है उसी जगह पे दिया जाता है। सिकाई के बाद कभी आज तक किसी की आवाज ना गई है ना जाएगी। नंबर वन, सर के बाल सिकाई से नहीं जाते हैं, वो कीमोथेरेपी से जाते हैं, लेकिन जो बाल जाते हैं वो 100% वापस आ जाते हैं। नंबर थर्ड, सिकाई से कोई नहीं मरता है, मरता है तो इंसान बीमारी से मरता है। जितना लेट आप आओगे, जितने समय जाने के बाद आप आओगे, जितनी एग्रेसिव और खतरनाक आपकी बीमारी होगी उस पर ये डिसाइड करता है। और जरूरी नहीं, देखिए कई बार कैंसर के मरीज को हार्ट अटैक भी आ जाता है, कई बार कैंसर के मरीज को, क्योंकि वो कमजोर होता है, तो अब ये नहीं ना कि वो सिकाई से मर गया या वो इससे मर गया। और आज तक कोई बीमारी जो है, जो जितनी स्टेज एडवांस होगी उतना किडनी में, लीवर में, लंग में, हर जगह, और वहां पे सिकाई काम नहीं करेगी। दोस्तों, हमारे फोन नंबर्स, एड्रेस और हमारा ईमेल एड्रेस, वेबसाइट एड्रेस नीचे स्क्रीन पर दिया जा रहा है। अगर आपको भी कोई क्वेश्चन या प्रश्न, सवाल पूछना है तो हमसे पूछ सकते हैं। रहिए सेहतमंद, रहिए तंदुरुस्त। कल तक के लिए नमस्कार। कैंसर से जुड़े किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान हेतु आप डॉक्टर साहब से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क सूत्र है 9971977888। अपनी समस्याओं को आप हमें ईमेल के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है cancerbhagao@gmail.com या हमें SMS भी कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 9289855855। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा पता है समिता मिश्रा मेमोरियल फाउंडेशन फॉर कैंसर रिसर्च, B2B/10 धर्म मार्ग, जनकपुरी, न्यू दिल्ली 110058। टेलीफोन नंबर 011 4610 5143।